Okay. Good morning, all of you. We are going to start the angiosperm today. Right? So, angiosperms are exceptionally a large group of plants. बहुत ज्यादा variety है इसमें. They range in size from tiny, almost microscopic Wolfia to tall trees like यूकेलिप्टस, राइट? जो यूकेलिप्टस है वो 100 मीटर से भी ज्यादा रह सकता है उसका साइज. अब जो एंजियोस्पर्म्स है इनको दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, दैट इज अ डाइकोटिलीडॉन एंड अ मोनोकॉट, राइट? मोनोकोटिलीडॉन्स. तो डाइकोटिलीडॉन्स और मोनोकोटिलीडॉन्स क्या है ये आपको पहले ही पता है. अब the dicotyledons have two cotyledons in the seed, right? They can be equally divided into the two parts. You can see here it consists of reticulate venation. See the first diagram of the leaf, right? It consists of reticulate venations. The flowers are trimerous or tetramerous or pentamerous. Means क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ 4 to 5 मेंबर्स इन ईच फ्लोरल वॉल्व, राइट? फ्लोरल वॉल्व्स कौन से है? कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, जिनका 4 से 5 नंबर हो सकता है. इज देयर एनी इशू? आई थिंक इट इज वेरी सिंपल. देन सेकेंड वन, दैट इज अ मोनोकॉटिलीडॉन्स विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 कॉटिलीडॉन. It consists a parallel venation, right? तो ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं हम पहले के चैप्टर में. The flowers are trimerous, right? 3 members in each floral whorl. So this was about the mono and dicotyledons. We'll next move to the reproduction in angiosperms. अब flower is a reproductive structure, right? In the angiosperm, flower is a reproductive structure which consists of male sex organ that is called as stamen. ये जो stamen है, ये figure आप देख रहे हो, this is a stamen. It is also called as androecium. Each stamen consists of filament with an anther at the tip. So this is a filament, that is a stalk, and it consists of anthers, right, which consist of pollen grains. Within the anthers, the pollen mother cells divides by meiosis. So yahan pe jo hai anther ke andar pollen mother cells rehte hain, which further divide by the meiosis. So meiosis kya hai? It is a haploid division, है ना? माइटोसिस और मियोसिस आपने देखा है. सो इट इज हैप्लोइड डिवीजन, राइट? व्हिच प्रोड्यूसेस माइक्रोस्पोर्स व्हिच मैच्योर्स इनटू द पोलन ग्रेन्स. सो फर्स्ट क्या हुआ? पोलन मदर सेल्स है. पोलन मदर सेल्स में क्या हो रहा है? मियोसिस हो रहा है. मियोसिस से हो रहा है माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस, और माइक्रोस्पोर्स मैच्योर होके बनते हैं पोलन ग्रेन्स. यहां तक समझ में आया? यस नो बोलो जल्दी. पार्टिसिपेंट्स अथर्व, देवेश, गायत्री, काजल, मयूर, पूजा, सुंदरम. यस सर. समझ में आया ना? पोलन मदर सेल्स होते हैं जिसमें मियोसिस होता है. मियोसिस से वो माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं, और वो जो माइक्रोस्पोर्स है फर्दर ग्रो होते हैं मैच्योर पोलन ग्रेन्स, राइट? नाउ वी विल मूव टू द फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ द फ्लावर. इट इज कॉल्ड एज पिस्टिल, राइट? व्हिच कंसिस्ट ऑफ ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा. 3 पार्ट्स आर देयर. ओवरी कंटेन्स द ओव्यूल्स. अब ये जो ओव्यूल्स है इनको क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजिया. समझ में आया? और ये जो पोलन ग्रेन्स को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया. नेक्स्ट,
An ovule has megaspore mother cells, right? Pollen grains में क्या था? Microspore mother cells. और ovule में क्या है? Megaspore mother cells. That undergoes meiosis to form four haploid megaspores. So you can see here, right? So there is a four cells are there, which are haploid in nature. So these are the megaspores, which is formed by meiosis. Three of them degenerate and one divides to form embryo sac. तो इसमें से तीन जो सेल्स है वो डीजेनरेट होते हैं, यहां पे आप लास्ट फिगर में देखिए, और एक ही फंक्शनल मेगास्पोर रहता है। ये बात समझ में आई? एक मियोटिक डिवीजन होता है तब चार सेल्स बनते हैं, यहां पे और यहां पे आप देख सकते हैं, राइट। अब ये चार में से तीन डीजेनरेट हो रहे हैं और एक ही फंक्शनल बच रहा है। इसके बाद में अब जो पोलन ट्यूब्स है, तो मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर है हमारे पास, है ना, मदर सेल्स। मेगास्पोर से क्या बनना है? एक सेल, दैट इज ओयूल, है ना, ओयूल में। और जो पोलन ग्रेन्स है वो है मेल गैमेट, right? So there will be a fusion of these two which will form a zygote. The pollen tubes enter the embryo sac, hai na, jo embryo sac hai usme pollen tube enter hoga, where the two male gametes are discharged. Ab aap yahan pe dekho do dot dikh rahe hai, these are the two male gametes which is present in the pollen grain, right? Ab ye jo pollen grain hai usme ये जो दोनों गैमेट्स है वो क्या करेंगे? एंटर हो जाएंगे माइक्रोपाइलर एंड से, एंड वन मेल गैमेट विल फ्यूजेस विद द एग सेल एंड फॉर्म अ जायगोट, दैट इज कॉल्ड एज सिनगैमी। मींस इसमें जो टू गैमेट्स है वो क्या हो रहा है? उनका सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इट इज अ सिनगैमी। ये बात आपको समझ में आई क्या? यस नो बोलो। यस सर। यस यस सर। द अदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद द डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस टू प्रोड्यूस ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब ये थोड़ा कंफ्यूजन है आपको, देखो दो जो पोलन ये थे, गैमेट्स थे, राइट, वो एक फॉर्म हो रहा है, ये फिगर देखो राइट साइड वाली, there it is fused with the egg cell, यहाँ पे एक सेल है उसके साथ फ्यूज हो गया, तो एक सेल हैप्लॉइड था और पोलन सेल भी हैप्लॉइड था, तो zygote फॉर्म हो गया यहाँ पे, एंड अदर विल फ्यूजेस विद द दिस सेकेंडरी न्यूक्लियस टू प्रोड्यूस द ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो एक दो में से एक यहाँ पे फ्यूज हो रहा है और देर इज अ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस दैट इज 3N, दैट इज कॉल्ड एज ट्रिप्लॉइड। ये बात समझी क्या? मुझे बताइए। यस नो बोलो, फिर से बताना है तो भी बोलो। सर फिर से बताइए। देखो आपको ये फिगर दिख रही ना यहाँ पे, ये पोलन ग्रेन दिख रहा है? यस सर। अब इसमें दो सेल्स है ना, दो गैमेटिक सेल्स है। अब ये दो गैमेट में से एक सेल जो है यहाँ पे इसके साथ फ्यूज हो रहा है और जायगोट बना रहा है। जायगोट तो समझते हो ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होके जो डिप्लॉइड सेल बनता है ना, हैप्लॉइड मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट फ्यूज होके जो डिप्लॉइड सेल बनता है, दैट इज कॉल्ड एज जायगोट। तो ये दो गैमेट में से एक यहां फ्यूज होगा एक सेल से और जायगोट बनाएगा, और दूसरा जो है वो डिप्लॉइड सेल यहाँ पे सेंटर में रहते हैं उनके साथ फ्यूज हो रहा है और
ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म कर रहा है। अब समझा क्या? यस सर। ओके। ड्यूरिंग दिस इवेंट्स है ना, ओव्यूल डेवलप इनटू द सीड। अब जो ओव्यूल था इसमें वो सीड में डेवलप हो रहा है और ओवरीज जो है वो फ्रूट में डेवलप हो जाए। द सीड्स आर एनक्लोज बाय फ्रूट्स, तो जो सीड बनी है वो फ्रूट से एनक्लोज हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ओव्यूल जो है वो सीड में डेवलप हो गए और ओवरीज है, ओवरऑल जो ओवरी रहती वो डेवलप हो जाती फ्रूट में। अच्छा मुझे बताओ यहां तक रिप्रोडक्शन में एंजियोस्पर्म के कुछ प्रॉब्लम? क्लियर है? यस सर। अभी इस पे क्वेश्चन आए हैं, ये जो है ना मैं बताता हूं आपको, इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं या फिर पूछ भी सकते हैं, है ना। डाइकोटिलेडंस के बारे में पूछ सकते हैं, है ना, उसके बाद में मोनोकॉट के बारे में पूछ सकते हैं। और जो ओव्यूल जो मेगास्पोर मदर सेल है ये मियोसिस होता है विच फॉर्म द फोर हैप्लोइड मेगास्पोर्स, राइट। इस पे क्वेश्चन आया है पहले, उसके बाद में उसमें से तीन डीजेनरेट हो जाते हैं एम्ब्रियो सैक में, राइट। और ये तीन डिजेनरेट होके एम्ब्रियो सैक में थ्री सेल स्टेज जो रहती है इनकी, दैट इज कॉल्ड एज एग एपरेटस, है ना। अब ये जो एग एपरेटस है उसमें तीन सिनर्जिड सेल्स है, यहाँ पे देखो आप तीन सेल्स है, तीन यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स है, है ना। और ये जो दो बीच में थे दैट विल बी अ पोलर न्यूक्लियाई। तो ये नीट में पूछा गया था। और ये ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिप्लॉइड जो पोलर न्यूक्लिया है जो बीच में है, राइट, इनमें फ्यूज होके एक मेल गैमेट फ्यूज होता है और यहाँ पे ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म होता है। ये दो तीन चीजें आपको अच्छे से याद रखना है इस चैप्टर में। तो इसको डबल फर्टिलाइजेशन भी बोला जाता है क्योंकि दो गैमेट्स है फ्यूज हो रहे हैं, एक हो रहा है एक सेल के साथ और दो एक हो रहा है पोलर न्यूक्लियस के साथ, दो जो बीच में दो पोलर न्यूक्लियस है, ना। तो ये जो है इसे डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। ये पॉइंट समझा? से यस नो। यस सर। नाउ वी विल मूव टू द प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। अब ये चीजें थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है अगर आपने अच्छे से नहीं सुना, है ना। प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसे बोलते हैं? इन प्लांट्स बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स कैन डिवाइड बाय माइटोसिस। प्लांट्स में हैप्लॉइड सेल्स भी माइटोसिस से डिवाइड होते हैं और डिप्लॉइड सेल्स भी माइटोसिस से डिवाइड हो सकते हैं। दिस फॉर्म्स हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड प्लांट बॉडीज। समझ में आया? अब माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में अगर कोई सेल में 2n है, मींस जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वेशनल डिविजन होके मेंटेन रहते हैं, बराबर है। अब हैप्लॉइड प्लांट बॉडी जो है दैट इज कॉल्ड एज गैमेटोफाइट, प्रोड्यूसेस गैमेट्स बाय द माइटोसिस। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट आल्सो डिवाइड बाय द माइटोसिस टू प्रोड्यूस डिप्लॉइड प्लांट बॉडी दैट इज कॉल्ड एज स्पोरोफाइट। देखो स्पोरोफाइट किसे बोलते हैं और गैमेटोफाइट किसे बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो अगर आपको समझ में आता है तो ये आप अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी अच्छे से प्लांट लाइफ साइकिल समझ में आ जाएंगे।
अब जो मल्टी सेलुलर, एक पॉइंट लिखो आप पेन से, मैं जो बता रहा हूं लिख रहे हो? यस सर। लिखो मल्टी सेलुलर डिप्लॉयड प्लांट स्ट्रक्चर, मल्टी सेलुलर डिप्लॉयड प्लांट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। ये समझ में आया आपको? मल्टी सेलुलर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्पोरोफाइट। एंड सेकेंड पॉइंट लिखो, मल्टी सेलुलर हैप्लॉइड प्लांट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। मल्टी सेलुलर हैप्लॉइड प्लांट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है प्लांट बॉडी में, दैट इज अ स्पोरोफाइट, और हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, दैट इज अ गैमेटोफाइट। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जायगोट आल्सो डिवाइड्स बाय द माइटोसिस टू प्रोड्यूस डिप्लॉइड प्लांट बॉडी, दैट इज अ स्पोरोफाइट। मींस जायगोट से ही पूरी प्लांट बॉडी बनती है ना। फर्टिलाइजेशन एक बार का हो गया मेल और फीमेल गैमेट का, तो जायगोट विल प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट बॉडी, राइट? दैट प्लांट बॉडी इज डिप्लॉइड एंड आर कॉल्ड एज स्पोरोफाइट। अब ये जो स्पोरोफाइट्स है, स्पोरोफाइट्स जब मैच्योर हो जाते हैं, है ना, सो दिस प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड स्पोर्स बाय मियोसिस। देखो पहले प्लांट बॉडी बनी, स्पोरोफाइट्स बने, स्पोरोफाइट से क्या हो रहा है, फिर दिस इज फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। अब स्पोर्स जो है ये मियोसिस से बनते हैं, क्योंकि दिस विल डेवलप इनटू द गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट, राइट? तो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं मियोसिस से। मियोसिस का मतलब क्या है, हैप्लॉइड नंबर बन रहेंगे उसमें, एंड दिस स्पोर्स डिवाइड बाय माइटोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। तो ये जो स्पोर्स फॉर्म हुए हैं वो पहले मियोसिस से फॉर्म हुए, और ये जो मियोटिक स्पोर्स है वो फिर से डिवाइड होते हैं माइटोसिस। जैसे आपने देखा कि पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स कितने सारे नंबर में प्रोड्यूस होते, क्योंकि वो इंसेक्ट के थ्रू, एयर के थ्रू, वाटर करंट के थ्रू इधर उधर स्प्रेड होके फिर फीमेल गैमेट से बने, क्या होंगे, फ्यूजन होगा उनका, तो इसीलिए इनका नंबर बहुत ज्यादा रहता है। तो इसका प्रोडक्शन जो है पहले तो मियोसिस से हुआ, फिर उनमें माइटोसिस होता है, और हैप्लॉइड बहुत सारे पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, तभी जाके फर्टिलाइजेशन हो सकता है, पॉलिनेशन हो सकता है, राइट? दस ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट देयर इज एन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन गैमेटोफाइट एंड द स्पोरोफाइट। मीन्स गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट बनाएंगे और स्पोरोफाइट से फिर से गैमेटोफाइट्स बनेंगे, तो ये इसी चीज को बोलते हैं हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये बात समझ में, इसमें कुछ भी डाउट है आपको? रेशमा, ऋतुजा, स्नेहा, यश? यस सर। समझ में आया? गायत्री, काजल, गैमेटोफाइट्स स्पोरोफाइट बनाएंगे और स्पोरोफाइट से फिर ग्रोथ होके गैमेटोफाइट बनेंगे, ये बात आपको समझ में आई? इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो यहाँ पे दिया है मेल गैमेटोफाइट विच विल प्रोड्यूस गैमेट्स, इट विल फ्यूज टू फॉर्म जायगोट, जायगोट से फिर क्या बनेंगे, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से फिर से प्लांट की ग्रोथ होके फिर से गैमेट्स बन रहे हैं यहाँ पे। ये बात समझ में आया आपको? ये फीमेल गैमेट है और ये मेल गैमेट है। अब जो पैटर्न ऑफ प्लांट लाइफ साइकिल है वो तीन टाइप के हैं, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड थर्ड वन इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक।
तीन पैटर्न फॉलो होते हैं अलग अलग प्लांट्स के टाइप्स में, तो वो कौन से है हम देखेंगे। फर्स्ट है हैप्लॉन्टिक। अब हैप्लॉन्टिक में देखो क्या हो रहा है। इन दिस स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंट ओनली बाय द जाइगोट। अब ये जो ब्लू पोर्शन है वो विजिबल है आपको, ब्लू पोर्शन यहाँ पे 20% है और 80% क्या है गैमेटोफाइटिक फेज है यहाँ पे। तो जाइगोट जब बन जाता है न्यू ऑर्गेनिज्म, उसके बाद में यहाँ पे मियोसिस हो रहा है और मियोसिस से स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये जो स्पोर्स है फिर गेमेटोफाइट्स में डेवलप होते हैं। हैप्लॉन्टिक पढ़ रहे हैं हम, तो हैप्लॉन्टिक में डिप्लॉन्टिक भी है लेकिन मेजर पोर्शन जो है यहाँ पे 80% जो लाइफ साइकिल का टाइम है उनमें हैप्लॉन्टिक स्टेज में है, है ना, इसीलिए इसको हैप्लॉन्टिक बोला गया है। तो इसमें जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक स्टेज है दैट इज जाइगोट, है ना। ये जाइगोट क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है इसमें और हैप्लॉयड स्पोर्स बन रहे, है ना। जाइगोट अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉयड स्पोर, दे डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म गेमेटोफाइट्स। स्पोर्स फिर माइटोटिक डिविजन होके गेमेटोफाइट प्रोड्यूस करता है। द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज इज द फ्री लिविंग गेमेटोफाइट। तो यहाँ पे डोमिनेंट फेज कौन सी है, 80% गैमेटोफिटिक फेज है और जैसे गैमेट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं तो गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं उसको। सिनगैमी मींस देयर इज अ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट व्हिच विल अगेन प्रोड्यूस द जाइगोट। अब इसमें मेन चीज है आपको ध्यान में रखने वाली, दैट इज एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल इज अल्गी, कौन से अल्गी, सच एज वॉलवॉक्स स्पाइरोगैरा एंड इन सम स्पेसिस ऑफ क्लाइमेडोमोनास। पिछली बार नीट में इस पे क्वेश्चन आया था क्लाइमेडोमोनास पे, हो सकता है इस बार वॉलवॉक्स या स्पाइरोगैरा का हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें होती है ऐसा अगर पूछा जाए तो आपको इसमें से चूज करना पड़ेगा। तो इसमें ध्यान में रखो हैप्लॉन्टिक वॉलवॉक्स और स्पाइरोगैरा में है एंड सम स्पेसिस ऑफ क्लाइमेडोमोनास। ये बात आपको सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे याद रखने लायक। दूसरी है हैप्लॉन्टिक इसमें मियोसिस कहाँ पे होता है ये पूछा जा सकता है। तो जाइगोट में मियोसिस होता है, राइट, जाइगोट में, जाइगोट फर्दर मियोसिस करके स्पोर्स फॉर्म करते, तो ये भी नीट में पूछा गया है इसके पहले, तो दो क्वेश्चन इस पे आए हैं अभी तक। हैप्लॉन्टिक समझ में आया सबको, यस नो बोलो। यस सर। ओके यस सर, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू सेकंड, दैट इज अ डिप्लॉन्टिक, किसे बोलते हैं हम देखेंगे। अब हैप्लॉन्टिक में हैप्लॉइड स्टेज 80% थी, अब डिप्लॉइड में, डिप्लॉन्टिक में इसके उल्टा है, है ना। डिप्लॉन्टिक, डिप्लॉइड स्टेज जो है वो 80% है और 20% टाइम ही हैप्लॉन्टिक स्टेज रहती है, राइट। इन दिस द डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट किसे बोलते हैं हम, कोई बताएगा? मल्टीसेलुलर डिप्लॉइड प्लांट स्ट्रक्चर। यस, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, दैट इज डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो द डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट फेज। यहां पे आप देख रहे हैं 80% स्पोरोफाइटिक फेज है, दैट इज अ डिप्लॉइड स्टेज। इन गैमेटोफाइटिक फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल टू फ्यू सेल हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। इसका माइक चालू है रे बेटा, स्नेहा आपके माइक से आवाज आ रही है? ओके जो गैमेटोफाइटिक फेज है इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल टू फ्यू सेल हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। यू कैन सी हियर सिंगल टू फ्यू सेल हैप्लॉइड गैमेटोफाइट
which will again fuse to by syngamy, and there is a formation of zygote. अब ये जो zygote है, it will form the sporophytic plant body. Again, after some time, there will be a gametophytic or gametogenetic phase will be there. अब इसमें सबसे important जो है ना, this phase is found in the seed bearing plants, that is the gymnosperms and angiosperm, है ना. अभी example जो है अलगा में फ्यूकस है इसका, इसके बारे में question आया था, right? नीट में. So all seed bearing plants, gymnosperm and angiosperms, the gametophytic phase is few to multicelled. कुछ सेल से multicelled stage रह सकती है gametophytic stage. ये थोड़ा सा diplontic में आप ध्यान में रखो, right? टेन मिनट्स के बाद मीटिंग ये हो जाएंगी, हम तब तक ये खत्म ही कर देते, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा 10 मिनट्स. नाउ द हैप्लोडिप्लॉन्टिक स्टेज, है ना. हैप्लोडिप्लॉन्टिक स्टेज क्या है? इट इज द इंटरमीडिएट कंडीशन बिटवीन द हैप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक. अब देखो यहाँ पे 55% and 45% हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक स्टेज दोनों है, थोड़ा ही फर्क है 50-50 में. तो इसमें दोनों स्टेज बराबर की हिस्सेदारी लेते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक स्टेज. तो हैप्लोइड फेज भी है इसमें, यहाँ पे देख रहे हैं आप, और डिप्लॉइड फेज भी है. बोथ गैमेटोफाइट एंड द स्पोरोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर एंड ऑफन फ्री लिविंग, बट दे हैव डिफरेंट डोमिनेंट फेजेस, राइट. बट दे हैव डिफरेंट डोमिनेंट फेजेस. एग्जाम्पल्स इसके है ब्रायोफाइट्स एंड टेलिडोफाइट्स. हैप्लोडिप्लॉन्टिक के स्टेजेस के एग्जाम्पल्स कौन से है? ब्रायोफाइट एंड टेलिडोफाइट. अब ब्रायोफाइटिक में क्या हो जाता है? डोमिनेंट जो फेज है, राइट, दैट इज इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलॉइड, राइट. अब इसमें अल्टरनेशन जो हो रहा है वो भी देखो आप कैसे हो रहा है, राइट. सो इट इज टोटली और पार्शियली डिपेंड ऑन द स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक स्टेज. तो इस टेरिडोफाइट में क्या हो जाता है? इसके अपोजिट हो जाता है. ब्रायोफाइट्स में जो है उसके अपोजिट टेरिडोफाइट्स में हो जाता. सो इसको बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज है, कुछ कुछ अल्गी भी है जो ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक स्टेजेस शो करते हैं. उसके एक्सेप्शंस कौन से हैं? एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया एंड केल्स. इट शोज द अल्गी होके भी ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक स्टेज शो करते हैं. ये आपको एग्जांपल्स लिख के रखना पड़ेगा, ये आपको एनसीईआरटी में दिए है, और इसका एक्सेप्शन जो है हैप्लोडिप्लॉन्टिक स्टेज पे, इस पे क्वेश्चन आए हैं, है ना, कि कौन से अल्गी में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है. तो उसका एग्जांपल लिखो आप, एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया एंड केल्प्स. केल्प, तो फ्यूकस में तो आपको बताया था मैंने पहले, इसके पहले, दैट इज अ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. अभी तक के टॉपिक में किसी को दिक्कत? राधिका, रेशमा, ऋतुजा, स्नेहा, सुंदरम, यश, प्रथमेश, मयूर, देवेश? नो डाउट सर. ओके. अरे ये क्या बोलते उसको, अपना कौन, अक्षय दिख नहीं रहा आपने क्लास में इतने में. अक्षय जनेकर,
आज चार पांच लोग एब्सेंट हैं। ओके, अच्छे से समझ रहा कि नहीं आपको टॉपिक्स? ऋतुजा, रेशमा, समझ रहा सर? 100% ना? श्रुतिका? यस सर। स्नेहा, श्रुतिका, गायत्री, समझा सर? ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये मीटिंग एंड करते हैं, फिर से आप रिज्वाइन करो क्योंकि 5 ही मिनट बचा है। हम नेक्स्ट एनिमल किंगडम स्टार्ट कर देते हैं आज। ओके, तो हम एंड करने जा रहे हैं इस मीटिंग को।